रील्स थंबनेल, इसके ऊपर आप सभी का काफी सारा कमेंट्स आ रहा था, क्योंकि यार आजकल हर कोई अपने वीडियो में थंबनेल ऐड कर रहा है, क्योंकि थंबनेल ही आपके रील्स का फर्स्ट इंप्रेशन होता है, जो कि आपके अकाउंट को काफी नेक्स्ट लेवल तक ले जाता है। एंड अगर आपके वीडियोज में थंबनेल अच्छा है ना, तो फिर वो एक्सपोर्ट पेज में भी जाता है आपके रील्स, जहाँ से आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, लाइक्स मिलते हैं, व्यूज मिलते हैं एंड सब कुछ मिलता है। तो चलते हैं गाइस एंड सीखते हैं कि इस तरह का थंबनेल आप कैसे बना सकते हो। तो पहले आ जाओ अपने PicsArt एप्लीकेशन में, सिंपली इसको ओपन करना, अरे हो जा भाई। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना प्लस में गाइस, और यहाँ पे टैप करना एडिट ऑफ फोटो में। उसके बाद गाइस आपका यहाँ पे एक बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करना पहले बैकग्राउंड में, यहाँ पे टैप करना और आपका पे ऐड करना ब्लैक बैकग्राउंड, तो यहाँ पे टैप करना ब्लैक में कलर में। उसके बाद क्लिक करना टूल्स में एंड आ जाना आपका पे क्रॉप में गाइस। और क्रॉप में आने के बाद आपको इसका साइज को चेंज करना, जो कि रेशियो जो होता है ना इंस्टाग्राम थंबनेल का, उसका रेशियो अलग होता है। तो सिंपली आप क्लिक करना ऊपर में गाइस, और आपका भी यहाँ पे जो साइज है इंस्टाग्राम थंबनेल का, उसका साइज है 1080। तो सिंपली यहाँ पे टैप करना 1080 एंड इसका हाइट विथ सब दोनों ही 1080 टाइप करना, ओके। एंड यहाँ पे क्लिक करना दिस साइज में, तो आपका सेम उस साइज में आ जाएगा। उसके बाद सिंपली इसको आप डन कर देना, ओके। और डन करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे आना है ऐड अ फोटो में, सिंपली यहाँ पे टैप करना ऐड अ फोटो में। उसके बाद अपने गैलरी से दो फोटो को ऐड करना, मतलब कि जिसका भी ये बना रहे हो ना, उसका दो फोटो को ऐड करना, जो कि बैक में रहेगा उसके लिए। तो सिंपली से हम दो फोटो को ऐड कर लेते हैं। पहले हम इसको ऐड करेंगे इसको, आप चाहो तो इसको क्रॉप भी कर सकते हो। सिंपली यहाँ पे टैप करना क्रॉप में, और इसका आधा पार्ट को रखना है, क्योंकि हमें यहाँ पे दो फोटो ऐड करना है एंड दोनों कम से कम 50-50 पार्ट में होना चाहिए। तो इसको मिटा कर लेंगे एंड इसको हम ऊपर के आधे भाग में चिपका देंगे अप्रॉक्स इतना। उसके बाद हमारा जो सेकंड फोटो यहाँ पे ऐड करेंगे, जैसे कि यहाँ पे क्लिक करना फिर से ऐड अ फोटो में। उसके बाद हम सेकंड फोटो को ऐड कर लेंगे कुछ इस तरह से, एंड इसको भी आप चाहो तो क्रॉप भी कर सकते हो कुछ इतना, ओके। एंड इसको डन करना, और डन करने के बाद गाइस आपका पे आना है फिल्टर में, सॉरी आ जाना आपका पे इफेक्ट में आना, और इफेक्ट में आने के बाद आपका पे इसको करना है ब्लैक एंड व्हाइट। तो सिंपली ब्लैक एंड व्हाइट के लिए आपका पे क्लिक करना BNW में, यहाँ पे टैप करना, तो आपका पे ऑटोमेटिकली ब्लैक एंड व्हाइट का बहुत सारा आपका पे मिल जाते हैं, ऐसे बहुत सारे हैं जैसे तू, बट आपका पे फर्स्ट पर रखना ब्लैक एंड व्हाइट इसको एंड डन कर देना, ओके। आप चाहो तो इसमें ब्लर इफेक्ट भी ऐड कर सकते हो, सिंपली यहाँ पे टैप करना इफेक्ट में। उसके बाद आप क्लिक करना ब्लर में, और इसमें हल्का सा ब्लरिंग भी ऐड कर सकते हो। आप चाहो तो इनमें से कोई ब्लर इफेक्ट ऐड कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे ऐड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो फोटो है ब्लैक एंड व्हाइट है। आप चाहो तो अगर आप कलरफुल फोटो ऐड कर रहे हो तो उसके लिए आप ब्लर ऐड करना, ओके। उसके बाद गाइस आपका आना है फिर से यहाँ पे ऐड अ फोटो में, यहाँ पे टैप करना। उसके बाद आपका पे ऐड करना जो आपका मेन फोटो रहेगा ना बीच में, उसको आप ऐड करना, ओके। तो जैसे कि हम इस वाले फोटो को ऐड कर लेते हैं इसको, एंड कुछ इधर से रख देंगे। उसके बाद गाइस आपका यहाँ पे इसको क्रॉप करना, तो सिंपली हम क्लिक करेंगे क्रॉप में एंड इसको हम कुछ इस तरह से क्रॉप कर लेंगे, या फिर आप लोग चाहो तो 16:9 इस वाले रेशियो को सेट करना, इसको टैप करना एंड अपने जो फोटो है उसका मेन पार्ट को कुछ इस तरह से क्रॉप करके एंड डन कर देना, ओके। उसके बाद गाइस इसको आप जूम करना कुछ इस तरह से, एंड आपको हल्का सा रोटेट करना कुछ इस तरह से, हल्का सा और जूम करना। उसके बाद गाइस आपका पे क्लिक करना है एंड नीचे जाना, एंड नीचे आपका पे क्लिक करना है बॉर्डर में, यहाँ पे क्लिक करना है बॉर्डर में गाइस। उसके बाद इसका जो इनर पार्ट होगा उसका पूरा जीरो कर देना, एंड इसका जो आउटर पार्ट होगा उसको आप अप्रॉक्स 3-4 या फिर 4, ओके हाँ 4 काफ़ी है, 4 या फिर 5 रखना आपको एंड डन कर देना, ओके। उसके बाद गाइस आपका पे क्लिक करना है नीचे साइडों में टाइप करना, एंड साइडों में टाइप करने के बाद गाइस आपका पे इसका जो ब्लरिंग है ब्लरिंग पूरा बढ़ा देना। उसके बाद आप क्लिक करना ओपेसिटी में, इसको ऊपर बढ़ा देना, एंड आप क्लिक करना पोजीशन में गाइस, एंड इसका पोजीशन जो होगा आपको हॉरिजॉन्टल को पूरा मतलब बीच में रखना हॉरिजॉन्टल को। उसके बाद इसका जो वर्टिकल है इसको आप नीचे करना, मतलब आप ऊपर भी कर सकते हो एंड नीचे भी कर सकते हो, तो दोनों में से आप लोग यहाँ पर नीचे करना एंड नीचे आपको रखना है। वर्टिकल आप लोग अप्रॉक्स 20+ रखना, 20, ओके एंड डन, इसको डन कर देना। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर क्लिक करना है स्टिकर में, यहाँ पर टैप करना है स्टिकर में, एंड आपका पे सर्च करना है एक लाइट इफेक्ट, कोई भी आप लाइट इफेक्ट ऐड कर सकते हो, जैसे कि हम यहाँ पे सर्च करते हैं रेड लाइट इफेक्ट। उसके बाद हम नीचे आएंगे एंड नीचे आप लोग को इस वाले जो थोड़ा सा होता है ना बुके टाइप का लाइट इफेक्ट उसको ऐड करना है, तो जैसे कि हम इसको ऐड कर लेते हैं इस वाले को, बाकी इसको आप जूम करना। एंड गाइस सिर्फ आप लोग रेड नहीं, आप लोग इसके अलावा और भी कुछ कलर को ऐड कर सकते हो, मतलब लाइट इफेक्ट को यहाँ पे चाहूँ तो इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे टाइप करना एडजस्ट में। उसके बाद आपका आना पे ह्यू में, और ह्यू में आने के बाद आपका इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हो, तो उसका कलर भी चेंज हो जाएगा। उसके बाद सिंपली इसको आप डन कर देना, एंड डन करने के बाद आपका पे क्लिक करना गाइस इस वाले लाइट इफेक्ट में, एंड आपको हल्का सा जूम करना दोनों फिंगर से,
एंड जूम करके आप लोग जहाँ पे भी रखना होगा सिम्पली वहाँ पे रख देना कुछ इतना करके। उसके बाद गाइस आपका पे क्लिक करना, यहाँ पे ऊपर में टैप करना, यहाँ पे टैप करना, उसके बाद आपका पे क्लिक करना मूव डाउन। ओके आप लोग चाहो तो ये जो इफेक्ट है ना आप लोग पहले भी ऐड कर सकते हो, मतलब कि ये जो आपको दिख रहा है ऊपर में फोटो उससे आप पहले भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद सिंपली कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देना। ओके उसके बाद गाइस आपका पे क्लिक करना और इसको डन कर देना, एंड डन करने के बाद यहाँ पे क्लिक करना टेक्स्ट में, और भी यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करने वाला है तो सिंपली टाइप करते हैं टेक्स्ट में, और आपके यहाँ पे जो भी लिखना होगा सिंपली उसको आप लिख सकते हो। जैसे कि मुझे यहाँ पे लिखना है सिस्टम, डबल एम देते हैं, इतना एम काफ़ी है, एंड डन। उसके बाद आपका पे क्लिक करना है नीचे, एंड आपको यहाँ पे कोई भी एक फॉन्ट जो होता है आपको चूज करना है, अच्छा सा फॉन्ट। बाकी मैंने यहाँ पे चैल्टनम फॉन्ट को रखा है, आप लोग चाहो तो कुछ और फॉन्ट भी यूज कर सकते हो, यहाँ पे बहुत सारा फॉन्ट स्टाइल है तो इनमें से आप जैसा चाहें वैसा फॉन्ट स्टाइल रख सकते हो। बाकी मुझे पर्सनली ये बहुत अच्छा लगा तो मैं यहाँ पे यूज को ही ऐड कर रहा हूँ। आप लोग चाहो तो कस्टमाइज करके और भी फॉन्ट स्टाइल यहाँ पे यूज कर सकते हो ऐड करके। बाकी सिंपली तक करके आपको यहाँ पे क्लिक करना कलर में गाइस, और कलर में आने के बाद आपको यहाँ पे टैप करना है ग्रेडियंट में, यहाँ पे ग्रेडियंट में। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे क्लिक करना ब्लैक कलर पार्ट में, यहाँ पे एक तरफ वाइट है एंड सेकंड तरफ ब्लैक है, तब आपको यहाँ पे टैप करना ब्लैक वाले कलर में। उसके बाद आपको यहाँ पे कलर कोई अच्छा भी चूज करना, तो जैसे कि आप लोग चाहो तो कोई सा भी कलर आप ऐड कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे इसको रख रहा हूँ इतना करके, एंड डन। ओके उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ इस तरह का आपका हो जाएगा। उसके बाद गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो कि बीच में जो आपको जो भी इस तरह से दिख रहा होगा इसको आप लोग अप डाउन कर सकते हो, मतलब कि घटा बढ़ा सकते हो, तो आप यहाँ पे चेंजेस दिख रहा होगा कि कैसा आपको यहाँ पे दिखने में लग रहा है कुछ इस टाइप में। ओके आप चाहो तो आप इसका कलर भी और भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे टैप करना, उसके बाद आप चाहो तो इसका कलर कुछ इस टोन में रख सकते हो तो और भी अच्छा लगेगा, देख सकते हो आपको जैसा अच्छा लगे आप लोग वैसा रख सकते हो। बाकी मैं इतना करके एंड कोई भी कलर सेलेक्ट करके डन कर देता हूँ। उसके बाद आना आपको स्टॉक में गाइस, यहाँ पे टैप करना स्टॉक में, उसके बाद इसका जो कलर है ना आप लोग ब्लैक रख सकते हो, एंड इसका जो अमाउंट है आप लोग अप्रॉक्स 1 या फिर 2 रख सकते हो, 1-2 काफ़ी अच्छा है, 2 तक तो 2 रखना। उसके बाद आप लोग आ जाना यहाँ पे शैडो में, और शैडो में इसका जो शैडो ब्लरिंग है सुपर बढ़ा देना अप्रॉक्स 100, एंड इसका ओपेसिटी भी आपको कर देना बढ़ा के। उसके बाद आपका पे क्लिक करना पोजीशन में गाइस, और पोजीशन में आके आपको इसको जो है वर्टिकली इसको हल्का सा आपको नीचे करना। बाकी इतना करके हम डन करते गाइस, एंड इसका साइज हल्का सा बढ़ा लेंगे अप्रॉक्स इतना, एंड डन। ओके उसके बाद गाइस आप लोग चाहो तो यहाँ पे इमोजी वगैरह भी ऐड कर सकते हो, सिंपली यहाँ पे टैप करना स्टिकर में, उसके बाद आपका पे टाइप करना डिस्कवर में आके लव इमोजी, उसके बाद आपका पे बहुत सारे ऐसे इमोजी आपको देखने को मिलते हैं तो इनमें से आपको जो पसंद आता है सिंपली उसको आप रख सकते हो। उसके बाद ऐड करने के बाद इसको हल्का सा जूम कर लेना इतू सा, उसके बाद आपको यहाँ पे हल्का सा ही कोने में आपको यहाँ पे रख देना। ओके बाकी आप लोग चाहो तो इसको आप हल्का सा इसमें शैडो वगैरह भी ऐड कर सकते हो, सिंपली कुछ इस तरह से शैडो ऐड कर देना, एंड डन। ओके उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे आ जाना ऊपर में, एंड यहाँ पे टैप करना है मूव डाउन, तो आपका टेक्स्ट के नीचे छुप जाएगा और कुछ इस तरह से दिखेगा, जैसे कि देख लो यहाँ पे। ओके तो फाइनली हमारा यहाँ पे बनकर रेडी हो चुका गाइस, बाकी इसको आप डन करना, उसके बाद एक्सपोर्ट करके एंड रील्स में थंबनेल ऐड कर सकते हो। बाकी यही था वीडियो में गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार एक लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी मिलते हैं कल गाइस, एंड फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।